हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। और इवर आज की इस वीडियो में हम इंडियन टीवी और फिल्म के स्टार एक्टर रोनित रॉय का कंप्लीट बॉक्स ऑफिस करियर एनालाइज करने जा रहे हैं। वीवर रोनित रॉय ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज 1992 में रिलीज होने वाली मूवी जान तेरे नाम से किया है और अब तक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितनी मूवीज में काम कर चुके हैं और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो की कंप्लीट डिटेल के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना होगा। तो चलें व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो इवर रोनित रॉय की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए डेब्यू मूवी का नाम है जान तेरे नाम, जो कि 1992 में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह एक हिट फिल्म साबित हुई। 1993 में रिलीज होने वाली मूवी 15 अगस्त, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई। 1993 में रिलीज होने वाली मूवी सैनिक, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई। 1993 ही में रिलीज होने वाली मूवी तहकीकात, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। 1993 में रिलीज हुई नेक्स्ट मूवी बॉम्ब ब्लास्ट, रोनित रॉय स्टारर, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई। 1994 में रिलीज होने वाली मूवी लक्ष्या, बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। 1995 में रिलीज होने वाली मूवी हलचल, बॉक्स ऑफिस पर यह एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। 1995 ही में रिलीज होने वाली मूवी रॉक डांसर, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 1996 में रिलीज होने वाली मूवी जुर्माना, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 1996 में रिलीज होने वाली मूवी जगन्नाथ, बॉक्स ऑफिस पर यह एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। 1996 में रिलीज होने वाली मूवी मेघा, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। और इवर रोनित रॉय की 1996 में रिलीज होने वाली मूवी आर्मी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। 1996 में ही रिलीज होने वाली रोनित रॉय स्टारर मूवी दानवीर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 1999 में रिलीज होने वाली मूवी सर आंखों पर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। साल 2000 में रिलीज होने वाली रोनित रॉय स्टारर मूवी ग्लैमर गर्ल, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2001 को रिलीज होने वाली रोनित रॉय स्टारर मूवी हम दीवाने प्यार के, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2001 में रिलीज होने वाली मूवी खतरों के खिलाड़ी, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2001 ही में रिलीज होने वाली मूवी श्रीदी साई बाबा, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2005 में रिलीज होने वाली मूवी किसना, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2005 ही में रिलीज होने वाली मूवी निशान दमार, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2005 में रिलीज होने वाली मूवी एक खिलाड़ी एक हसीना, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2007 में रिलीज होने वाली मूवी शूट आउट एट लोखंडवाला, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सीमी हिट साबित हुई। 2007 ही में रिलीज होने वाली मूवी 10 कहानियां, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2009 में रिलीज होने वाली मूवी लक बाई चांस में रोनित रॉय ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 2010 में रिलीज होने वाली मूवी अपार्टमेंट, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2010 में रिलीज होने वाली रोनित रॉय स्टारर मूवी उड़ान, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2010 में रिलीज होने वाली मूवी पंख में रोनित रॉय ने स्पेशल अपीयरेंस दिए थे। 2011 में रिलीज होने वाली मूवी दैट गर्ल इन येलो बूट्स, इस फिल्म में भी रोनित रॉय कैमियो अपीयरेंस में दिखाई दिए थे। 2012 में रिलीज होने वाली मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सीमी हिट साबित हुई थी। 2013 में रिलीज होने वाली मूवी शूट आउट एट वडाला, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। 2013 ही में रिलीज होने वाली अक्षय कुमार स्टारर मूवी बॉस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2014 में रिलीज होने वाली मूवी टू स्टेट्स, इस फिल्म का हिस्सा थे रोनित रॉय और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 2014 में रिलीज होने वाली मूवी अगली, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2015 में रिलीज होने वाली मूवी गुड्डू रंगीला, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई थी। 2016 में रिलीज होने वाली मूवी डोंगरी का राजा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर करार दी गई थी। 2017 में रिलीज होने वाली ऋतिक रोशन स्टारर मूवी काबिल, इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। 2017 में रिलीज होने वाली मूवी मशीन, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। 2017 में रिलीज होने वाली मूवी सरकार 3, अमिताभ बच्चन स्टारर, इस फिल्म का हिस्सा थे रोनित रॉय और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2017 ही में रिलीज होने वाली टाइगर श्रॉफ स्टारर मूवी मुन्ना माइकल, इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई।
2017 ही में रिलीज होने वाली मूवी लखनऊ सेंट्रल। इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। 2018 में रिलीज होने वाली मूवी लव यात्री। इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 2018 में रिलीज होने वाली आमिर खान अमिताभ बच्चन स्टारर मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। 2018 में रिलीज होने वाली मूवी जय लव कुशा। इस फिल्म का भी हिस्सा थे रोनित रॉय और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और इसी तरह 2019 में रिलीज होने वाली मूवी लाइन ऑफ डिसेंट। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Zee5 के थ्रू डिजिटली रिलीज की गई थी। रोनित रॉय इस फिल्म का हिस्सा थे। और इसी तरह 2021 में रिलीज होने वाली तमिल लैंग्वेज की मूवी भूमि। ये तमिल लैंग्वेज के लिए रोनित रॉय की डेब्यू मूवी थी। ये फिल्म भी OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार के जरिए डिजिटली रिलीज की गई थी और यही एज एन एक्टर रोनित रॉय की अब तक की रिलीज होने वाली उनके करियर की आखिरी फिल्म भी साबित हुई है। और व्यूअर रोनित रॉय की अपकमिंग मूवीज की बात करें तो उनकी सबसे पहले आने वाली फिल्म का नाम है शमशेरा। 2022 में रिलीज होने वाली इस फिल्म की लीड कास्ट में रणबीर कपूर, वाणी कपूर और संजय दत्त शामिल हैं और रोनित रॉय भी इस फिल्म का हिस्सा है और ये हिंदी लैंग्वेज की मूवी आपको 2022 में देखने को मिल सकेगी। और इसी तरह रोनित रॉय की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी का नाम है लाइगर। तेलुगु लैंग्वेज की ये विजय देवरकोंडा स्टारर मूवी है जो कि आपको 2022 में थिएटर्स पर देखने को मिल सकेगी। तो अगर एज एन एक्टर रोनित रॉय के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो निकाल ले तो अपने कंप्लीट करियर में रोनित रॉय 45 मूवीज का हिस्सा रहे हैं और जिसमें से मेन एक्टर के तौर पर उन्होंने 39 मूवीज में काम किया है, जिनमें से उनकी 2 मूवीज सुपरहिट, 2 मूवीज हिट, 2 मूवीज सीमेंट रही हैं, 3 मूवीज अबव एवरेज, 2 मूवीज एवरेज और इसके अलावा उनकी 10 मूवीज फ्लॉप और 18 डिजास्टर रही। 4 मूवीज में उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस दिए हैं और रोनित रॉय की 2 मूवीज डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई हैं। तो इस हिसाब से रोनित रॉय के कंप्लीट करियर का सक्सेस रेशो बनता है 28.21%। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने रोनित रॉय की एज एन एक्टर रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल आप व्यूअर्स को प्रोवाइड की। तो एज एन एक्टर रोनित रॉय की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल में सात स्टार्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।